Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So, आज का वीडियो है हमारा CET preparation series का day 5 और आज का हमारा subject है English. इससे पहले हमने social studies और English की जो है काफ़ी सारी तैयारियाँ की है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको जो है ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जो है ज़रूर उसको चेक करिएगा. तो आज का जो हमारा है इंग्लिश का ग्रामर सीरीज, इससे पहले हमने पोएटिक ग्रामर देखा था यानी पोएम सेक्शन का जो ग्रामर है वो, आज हम वो ग्रामर्स देखने वाले हैं जो कि आपके टेंथ के सिलेबस में ईजी है, यानी जो सिंपल ग्रामर है और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और जिसमें बहुत ज़्यादा टेंसेस और फॉर्मूलाज नहीं देखने पड़ते हैं, बहुत वर्ड टू वर्ड ग्रामर है, उस तरीके की चीज़ें हम जो है इस वीडियो में देखने वाले. फिर उसके बाद हम जो है आगे प्रोसीड करेंगे टेंसेस और वॉइस वगैरह जो है उन टॉपिक्स पर. तो आज के जो सिंपल ग्रामर टॉपिक्स है उसमें एक जो है हमारा पहला है आर्टिकल्स, उसके बाद हम देखेंगे प्रीपोजिशंस और फिर कंजंक्शंस, पंक्चुएशंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद होमोनिम्स, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और लास्ट हमारा होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस. तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है काम नहीं करना है, बस आपको इसकी बहुत सी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है और आप जो है इसमें एकदम मास्टर हो जाएंगे. सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स. तो आर्टिकल हम जानते हैं तीन होता है, एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द. तो इन्हीं तीन का जो है हमको इस्तेमाल करना होता है, यही तीन होते हैं. आपको क्वेश्चन किस तरह होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होता है, आपको उस जगह पर वो डैश में जो है ए एन या द में से कोई एक जो सही है वो लिखना होता है. अब इस्तेमाल हम बचपन से जो है ये चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं जब पेपर में पूछा जाता है. तो यहाँ पर जो है बहुत सिंपल चीज़ें, ए जो है ए है, यूज़ ए व्हेन द नाउन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट. अब कॉन्सोनेंट क्या होता है और वोवेल क्या होता है ये जानना ज़रूरी है. वोवेल यानी पांच साउंड अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांच जो होते हैं हमारे वोवेल, और इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो होता है कॉन्सोनेंट, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सब जो है कॉन्सोनेंट होंगे और वोवेल्स सिर्फ पाँच है. तो जब भी कोई वर्ड जिससे पहले आपको डैश दिया गया है कि यहाँ पर ए एन या द लगाना है, तो वो वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर ए लगेगा. जैसे कि बैग है तो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी कॉन्सोनेंट है तो हम लगाएंगे अ. उसी तरह कैट है तो उसमें जो है सी से स्टार्ट हो रहा है, वो भी कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर भी जो है हम अ लगाएंगे. अब इसको इस्तेमाल करते वक्त एक एक्सेप्शन है, यानी एक रूल जो है वो, मतलब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब व्हेन द वावेल यू साउंड्स लाइक यू, यानी कि यू जो है वो अलग अलग साउंड करता है, जैसे अम्ब्रेला में अ की आवाज़ आती है, यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ आती है, मतलब लिख रहे हम यू ही है लेकिन उसकी आवाज़ अलग अलग तरीके से आती है. इसीलिए जब भी यू का आवाज़ यू की तरह निकलेगा, यानी यूनिवर्सिटी है, यूटेंसिल है, यू है, तो उसमें जो है हम ए लगाएंगे. हालांकि यू जो है वावेल है लेकिन उसकी आवाज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जब यू की आवाज़ निकलेगी यू की तरह तो वो है ए, वहाँ पर यूज़ होगा. अब आते हैं एन पर. एन जो है ये वावेल से पहले जो है इस्तेमाल होता है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू से पहले जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे एप्पल है तो एन लगेगा, अम्ब्रेला है तो एन लगेगा, आउल है तो एन लगेगा, इस तरीके से. यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, यानी एक जो है रूल में चेंजेस है कि कॉन्सोनेंट से पहले एन तो लगाते नहीं है, लेकिन जब भी एच साइलेंट होगा तब जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि एन का इस्तेमाल होगा. जैसे आवर जो है यानी कि घंटा, एच ओ यू आर, तो इसमें जो है एच का, एच की आवाज़ उतना, एच का साउंड नहीं निकाल जाता, एच जो है इसमें साइलेंट होता है, तो इसमें हम एन लगाएंगे. इसकी तरह इसी तरह ऑनर जो है तो इसमें भी जो है हम हॉनर नहीं बोलते, ऑनर बोलते हैं, तो वो एच का साउंड जो है इसमें भी साइलेंट है इसीलिए हम एन लगाएंगे. तो यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ जगहों पर जो है साउंड का ध्यान देना है, बाकी जो है एकदम सिंपल है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगेगा और वोवेल से पहले एन लगेगा. अब आते हैं द के लिए. द जो है बहुत शाही लोगों के लिए, बहुत ख़ास चीज़ों के लिए होता है, इस तरीके से याद रखें. कभी भी कोई स्पेसिफिक आइटम होगा, यानी जिसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, या फिर कोई एक कोई ख़ास चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़ मेंशन की जाती है,
या कोई नाम स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है, कोई जगह स्पेसिफिक मेंशन की जाती है, मोस्टली प्रॉपर नाउन, और कभी कभी अगर कोई खास चीज मेंशन की जाती है तो फिर, जैसे कि द अम्ब्रेला इन द बैग, द कैट इन द ट्री, यहाँ पर फोकस्ड है, कोई स्पेसिफिक चीज बताई गई है, अम्ब्रेला बताया गया है, बैग बताया गया, तो उससे पहले द जो है लगाया जाएगा। तो ये जो है तीन तरीके के हमारे आर्टिकल होते हैं, और आपको क्वेश्चन उसी तरह पूछा जाएगा कि आपको डैश दिया जाएगा, या तो वर्ड या तो सेंटेंस, उसमें आपको डैश दिया जाएगा, आपको फिल करना है। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, अगर आप ऑटो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जो है पूरे ऑटो चेक कर सकते हैं। प्रीपोजिशन जो है वो पोजिशन जो है बताती है, और जो रिलेशन होता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, कि वो एग्जैक्टली उसका स्पॉट क्या है, उस तरीके की चीज़ें प्रीपोजिशन में देखते हैं। इसके बहुत से वर्ड्स होते हैं, यानी एक लिस्ट होती है प्रीपोजिशन की, और ये भी जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही पूछा जाता है, जैसे आर्टिकल पूछते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे कि है इन टू द बॉक्स, तो इन टू द बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर, तो इन टू जो है हमारा प्रीपोजिशन होगा। आउट ऑफ द बॉक्स यानी बॉक्स के बाहर, तो आउट ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। अराउंड भी जो है प्रीपोजिशन की एग्जाम्पल है, अराउंड यानी उसके आसपास, अवे फ्रॉम यानी उससे दूर, टूवर्ड्स यानी उसकी तरफ आ रहा है, पास्ट द बॉक्स यानी उसके बाद से जो है गुजर गया, ऑन द बॉक्स, ऑफ द बॉक्स और ओवर द बॉक्स। ऑन का मतलब होता है उस पर है, ऑफ द बॉक्स यानी उसके मतलब उस पर से उतर जाना, उस तरीके से, ओवर द बॉक्स यानी बॉक्स के पास से, बॉक्स के ऊपर से जैसे जंप होता है उस तरीके से, अंडर यानी किसी चीज़ के नीचे, थ्रू यानी उसमें से गुजर जाना, और अक्रॉस यानी उसके पार, अप यानी ऊपर की तरफ, डाउन यानी नीचे की तरफ। इसके अलावा इन होता है, इन का मतलब होता है में, यानी कि बॉक्स में है, उस तरीके से होता है, तो इन द बॉक्स। ऑफ भी जो है वो इस्तेमाल होता है इसका उसका के लिए, ऐसे वाले मानी बताने के लिए। तो प्रीपोजिशन की ये जो है लिस्ट होती है, आपने बस ध्यान रखना है, और एक बार आप अगर सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके मीनिंग के हिसाब से आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है। बस आपने जो है सारे प्रीपोजिशंस के मीनिंग याद होने चाहिए, या फिर आपको मालूम होना चाहिए कि इसका ये मतलब होता है और इसका जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसीलिए जो है प्रीपोजिशंस अक्सर जो है पिक्चराइज करके बताई जाती है, ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। नेक्स्ट आता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए एक कोड वर्ड इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं फैन बॉयज, FANBOYS। ये जो है सातों अल्फाबेट से एक एक कंजंक्शन वर्ड आता है, जो कॉमन है वो, जैसे F से आता है फॉर, तो द लेडी कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी। अब फॉर जो है हम अक्सर जो है इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए, इसके लिए, इस तरीके से। ए जो है एंड यानी कि और का जो काम करती है। लारा कैन बोथ ईट एंड स्पीक, शी इज, नो ऐसा नहीं, कैसा सेंटेंस होगा, रिया एंड नेहा इज फ्रेंड। एंड जो है वो दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। फिर एन से आता है नॉर। नॉर का मतलब क्या होता है, नॉर का मतलब नहीं ही होता है, लेकिन किस मानी में नॉर और नाइदर साथ में इस्तेमाल होते हैं, यानी नाइदर एलेक्स नॉर आई ड्रिंक, यानी ना तो उसने किया ना तो मैंने की, ये वाले मानी में जो है नॉर का इस्तेमाल होता है। नाइदर का मतलब ना तो उसने, और फिर उसके आगे लगता है नॉर, ना तो मैंने, इस तरीके से। बी से आता है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। आई वॉन्ट टू कुक बट देर इज नो स्टफ, यानी मुझे बनाना था बट वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। ओ का मतलब और। अब यहाँ पर लोग कन्फ्यूज होंगे जो उर्दू मीडियम वाले, और जब हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मानी होता है एंड, और जब हम उर्दू में या इस्तेमाल करते कि ये चीज़ या फिर वो चीज़, तो वो जो है इंग्लिश का ओ आर और होता है। इज दैट डॉग अलाइव और डेड, यानी क्या वो जो डॉग है वो जिंदा है या मर गया, तो वो और के मानी जो है या होते हैं। फिर आता है वाई। वाई से होगा येट। वी हैव नॉट फिनिश्ड आर डिनर येट, यानी कि अब तक नहीं किया है, अब तक जो है वो येट होता है। एस से आता है सो। हु एवर से सो इज अ लायर, तो के जो मानी होते हैं ना वो जो है सो में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो है एक तरीके का बस कोड है, इसके अलावा भी आपको कंजंक्शन के बहुत से मानी मिल जाएंगे, जैसे कि दैट्स वाई भी जो है एक कंजंक्शन है, जो के बोलते हैं ना इसलिए, वो जो है उसके मानी होते हैं दैट्स वाई। बिकॉज होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, यानी बिकॉज के मानी होते हैं क्योंकि मैं, यानी कि आई वॉज लेट बिकॉज देर वॉज ट्रैफिक, मैं लेट हो गया क्योंकि वहाँ पर
ट्रैफिक था। तो ये जो है ऐसे बहुत से आपको जो है वर्ड मिल जाएंगे, और ये भी प्रीपोजिशन जैसा ही होता है, नहीं जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको जो है अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या मानी में इस्तेमाल होने वाला। जब आप मीनिंग पूरा देखते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में उस फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ फिट कर देते हैं, बस आपको उसको इंग्लिश में जो है उसके मानी पता होने चाहिए, और बस आपने सेलेक्ट कर दिया ऑप्शन और आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। नेक्स्ट आता है पंचुएशन मार्क। अब पंचुएशन मार्क का क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आ सकता है। पंचुएशन मार्क जो है आपको जिस तरीके से करेक्ट द चूज द करेक्ट अल्टरनेट होता है उस तरीके से आ सकता है आपको ये मानी, मतलब ये क्वेश्चन कि आपको जो है सेम सेंटेंस दिया रहेगा और उसको अलग अलग तरीके से पंचुएट किया रहेगा, और आपको जो है बताना है कि किस में पंचुएशन मार्क सबसे सही इस्तेमाल हुआ है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें इनका इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। जैसे कि पंचुएशन मार्क का सबसे पहला रूल है कि जो सेंटेंस है उसके पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। उसके अलावा जो प्रॉपर नाउन होता है, कोई नाम होता है, उसका भी पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो कि एक कोई भी सिंपल सेंटेंस, यानी जो क्वेश्चन ना हो वो कोई भी सेंटेंस हो, मतलब एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क इन दोनों सिचुएशन को छोड़कर जो है सारे सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाया जाता है। और क्वेश्चन मार्क जो है हम जानते हैं जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। कॉमा जब जो है कहीं पर एक छोटा सा पाउस चाहिए, छोटा सा जो है एक सिचुएशन हुई और फिर हम जो है कॉमा लगाकर दूसरा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, या फिर आप कोई किसी चीज़ के टाइप्स बता रहे हैं तो एक के बाद एक जो है हम कॉमा लगाकर लिखते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जब भी कोई जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो उसमें जो है एंड में या फिर जो है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क जो है लगाया जाता है। कोटेशन मार्क जब भी जो है किसी को किसी की कही भी बातों को या कोई भी जो है स्पेसिफिक चीज़ को जब हमको मेंशन करना होता है तो हम उसे जो है वो कोटेशन मार्क, जिसे डबल इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, उसमें जो है मेंशन करते हैं। सेमी कॉलन नहीं, पहले कॉलन। कॉलन जो है वो जब भी हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हम अगर कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने जाते हैं तो हम चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले, यानी हम टाइटल डालते हैं छोटा सा, फिर कॉलन लगाकर एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जब भी कोई बात डिटेल में करने वाले हो तो उससे पहले कॉलन लगाया जाता है। सेमी कॉलन क्या होता है, जिस तरीके से कॉमा होता है छोटे पाउस के लिए, तो वही थोड़े बड़े पाउस के लिए, या फिर आपको जो है एक सिचुएशन ख़त्म हुई है लेकिन आप उसके बाहर जो है फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, आप उसी सिचुएशन रिलेटेड आगे और कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम जो है सेमी कॉलन लगाते हैं थोड़े बड़े पाउस के लिए। और अपोस्ट्रोफ आता है यूज टू शो पोजेशन, यानी हम जब वो मानी इस्तेमाल करते हैं कि उसका है, उसकी है, तो हम जो है वर्ड के आगे अपोस्ट्रोफी करके एस लगाते हैं, तो अपोस्ट्रोफी का वो जो है इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से ये पंक्चुएशन मार्क है जो आपने याद रखने, और बस फिर आपको सिर्फ चेक करना है कि सारे मार्क्स जो है अपनी जगह पर लगे हुए, और आपको वो करेक्ट सेंटेंस को चूज़ कर लेना है। जितने भी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो आपको नीचे गूगल टेस्ट पर जो है वो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर अटेम्प्ट करिए कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है या नहीं। अब आता है ये जो है हमारा वर्ड ग्रामर है, ये जो वोकैबुलरी होती है ना, ये वो है होमोनेम्स, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एडिम्स एंड फ्रेजेस। ये चीज़ें आप सीख नहीं सकते, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। आप इसकी लिस्ट पढ़ेंगे, आपको जो है मीनिंग्स पता चलेगी, तो आपको ये चीज़ें मालूम होने लगेगी, फिर आपको याद रहता जाएगा। जैसे होमोनिम्स क्या होता है, ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड ओरिजिन, यानी कि दो ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम है, जिन्हें पढ़ा भी सेम जाता है, लेकिन उनके मीनिंग्स जो है वो अलग होते हैं। जैसे कि एक वर्ड है बैट, BAT बैट। अब ये जो है एक प्लेइंग इक्विपमेंट भी है, बैट एंड बॉल जो क्रिकेट में यूज़ होता है, और एक जो है परिंदे का भी, जैसे चमगादड़ है उसे बैट कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका भी नाम है। वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन उसको दो अलग मानियों में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे कहते हैं होमोनिम्स। नेक्स्ट आता है होमोफोन्स, ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग ओरिजिन और स्पेलिंग, फॉर एग्जाम्पल न्यू एंड न्यू। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, फोन्स मतलब साउंड जो है ना वो जो है इसमें
सेम होता है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरीके से उसको बोला जाता है वो सेम होगा, सुनने में दोनों सेम लगेगा, लेकिन जब उसके मीनिंग देखेंगे, जब उसकी स्पेलिंग देखेंगे तो वो जो है फिर अलग होगा। जैसे कि नो और नो होता है, एक नो का मतलब होता है नहीं, और एक जो नो है के एन ओ डब्ल्यू वाला नो है उसका मतलब होता है जानना या मालूमात होना। उसी तरीके से यहाँ पर न्यू एंड न्यू है, एक न्यू का मतलब होता है नया, और जो के एन ई डब्ल्यू जो है वो नो का पास्ट टेंस होता है, इसका भी मतलब होता है मालूमात होना, जानना, मुझे मालूम है, मुझे पता है, इस तरीके के मानी होते हैं। तो दोनों का जो साउंड है वो सेम है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है, जो मीनिंग है वो अलग है। फिर आता है सिनोनिम। सिनोनिम जिसे हम कहते हैं हम मानी अल्फाज, यानी कि ऐसे वर्ड जो सेम मीनिंग रखते हो, मतलब दो अलग अलग वर्ड जिनकी मीनिंग सेम हो। और एंटोनिम्स जो है, एंटोनिम का मतलब होता है मुतजाद अल्फाज, अपोजिट वर्ड्स, एक दूसरे के उलट जो होते हैं, जिदे जो होती है वो एंटोनिम्स होते हैं। तो ये जब चीज़ें आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसका सिनोनिम बताएं, चार ऑप्शन में से इसका सिनोनिम क्या है, या इसका एंटोनिम क्या है, इसकी जो अपोजिट क्या है, आपको चार ऑप्शन में से एक चूज़ करना है। उसी तरीके से होमोनिम और होमोफोन्स की जोड़ियाँ होती है, जैसे कि बैट है तो ये इसके दो मानी हुए, इसी तरह न्यू और न्यू की जोड़ी रहेगी। तो आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा कि इसमें से होमोफोन्स की जोड़ी कौन सी है, या फिर आपको इस तरीके से बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है होमोनिम्स नहीं है, यानी उसका कोई दो मानी नहीं है, वो उसका एक ही मानी है उस वर्ड का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप नीचे गूगल टेस्ट जो है अटेम्प्ट करें, आपको पूरा पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये वोकैबुलरी है, ये ग्रामर है, लेकिन ये वर्ड ग्रामर है। अभी जो मेन ग्रामर होता है, जो टेंस और वॉइस स्पीच वगैरह है, वो अलग चीज़ है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये सारे ग्रामर जो है आप जितना रीड करेंगे उतना आपको आएगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को, बहुत सी लिस्ट आपको नेट पर मिलेगी, आप उसे रीड करिए। अब बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो हम जानते हैं जो मुहावरे और कहावत होती है उसे कहते हैं, और इंग्लिश में जो है आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी जो टेक्स्टुअल चीज़ है उसमें जो आपको बहुत सी एग्जांपल मिलेगी। मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भी दी थी इससे रिलेटेड, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आप सिर्फ उतना भी पढ़ ले तो आपके लिए इनफ होगा। आपको इस पर क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, या तो आपको मीनिंग पूछेगा, यानी आपको एक फ्रेज दिया रहेगा, उसके चार ऑप्शन रहेंगे, चारों जो है मीनिंग बताएंगे, बताई रहेगी, आपको बताना है कि सही जो है मीनिंग कौन सा है, या फिर आपको सिचुएशन दी रहेगी और आपको बताना है कि इस सिचुएशन में कौन सा फ्रेज जो है वो फिट बैठता है। जैसे हम उर्दू ग्रामर में मुहावरे और कहावत का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इन इस जो है सेंटेंस के साथ हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म होता है, और ये जो है आपका वोकैबुलरी ग्रामर, आपका जो वर्ड ग्रामर है, इसके आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस या जो है एग्जाम्पल सॉल्व करें, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको जो है किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बड़े ग्रामर के साथ, मे बी टेंस या फिर वॉइस के साथ। जब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स के साथ, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।